हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 जून के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट examtrends.net से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और ईजिली रिविज़न कर सकते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 1 जून को और इसकी शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सबसे पहली बार इसको कब मनाया गया था तो 1 जून सन 2001 में इसको मनाया गया था। अब अगर कोई भी दिवस मनाया जाता है तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य भी होगा। इसका उद्देश्य है दुग्ध और संबंधित उद्योग को प्रोत्साहन देना, दूध और उससे संबंधित जो भी उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन देना। हमने आपको बताया था कि जो भी डेज होते हैं उनके कुछ थीम्स होते हैं, तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है हमारा ड्रिंक मिल्क टूडे एंड एवरी डे। ड्रिंक मिल्क आज पिए और हर दिन, तो याद रखिएगा इसको। अब दूध से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, जैसे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। इसका जनक किसे माना जाता है श्वेत क्रांति का? वर्गीज कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साइंस का, हमारा पूछता है कि दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा, बैक्टीरिया और वायरस में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा? जीवाणु होगा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होगा? लैक्टोबैसिलस। और दूध की शुद्धता, लैक्टो वर्ड आपको कहीं भी मिल जाए तो किससे संबंधित है? दूध से। अगर हमसे पूछ ले कि दूध की शुद्धता कैसे मापते हैं तो लैक्टोमीटर से। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो हमारा सही आंसर होगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, अच्छा बात हो रही है दूध को, तो दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है? गाय और भैंस से प्राप्त होता है। अभी गाय से एक लेटेस्ट हमारा न्यूज़ आया था कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उन्होंने गाय की एक प्रजाति को संरक्षण प्रदान किया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओंगोल। ओंगोल गाय की प्रजाति को वेंकैया नायडू ने संरक्षण प्रदान किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के नए सीएम को जो कि बने हैं जगमोहन रेड्डी, इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे चंद्रबाबू नायडू। मैंने कई बार आपको पढ़ा था चंद्रबाबू नायडू के बारे में, लेकिन अब इसको अपडेट कर लीजिए। नए सीएम कौन बने हैं? जगमोहन रेड्डी। इनको गोपनीयता की शपथ किसने दिलाया? तो देखिए, जो भी पर्टिकुलर कोई भी स्टेट हो, नॉट ओनली आंध्र प्रदेश, किसी भी स्टेट के अगर मुख्यमंत्री हैं तो उनको गोपनीयता की शपथ वहाँ के राज्यपाल दिलाते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? ESL नरसिम्हन ने जगमोहन रेड्डी को गोपनीयता की शपथ दिलाया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो आंध्र प्रदेश में लोकसभा, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस बार तो अभी 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, तो आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा कि लोकसभा के चुनाव में सीएम को चुना जाता है। यहाँ पे लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं। मैंने आपको बताया था उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री भी नए बनेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में देश का 25वां हाईकोर्ट बन चुका है। अभी तक तो हमने हाईकोर्ट की संख्या कितना पढ़ा था? 24, लेकिन अब देश में कुल कितने हाईकोर्ट हो गए हैं? 25 हाईकोर्ट हो चुके हैं। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हमारा अमरावती, वहाँ पे बन रहा है जस्टिस सिटी। और अगर हम लोग हिस्ट्री में चले जाएँ तो भाषाई आधार पर गठित आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। रेड कलर वार्निंग किस राज्य में जारी की गई है? यह जारी किया गया है दिल्ली में। आप बिलीव करेंगे कि यह किससे संबंधित है? तो यह हमारा मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है गर्मी को देखते हुए। इसमें क्या है कि 4 कलर डिसाइड किए गए हैं जिनको जब भी जिस तरह की पोजीशन आएगी उससे रिलेटेड क्या किया जाएगा? गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। अब गर्मी की वजह से दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग ने क्या किया है? रेड कलर वार्निंग जारी किया है। इसमें क्या था कि 31 मई जो बीता 31 मई है उस दिन जो टेम्परेचर था हमारा वो पिछले 5 सालों का मैक्सिमम टेम्परेचर था, जो कि था 46.8 डिग्री सेल्सियस। पिछले 5 सालों में इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं पहुँचा जितना पहुँच गया इस समय दिल्ली में। ठीक,
तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि कलर के थ्रू वार्निंग जारी की जाती है। अच्छा, कलर कौन कौन से हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे अगर हरा रंग की वार्निंग है, हरे रंग है तो यहाँ पे क्या है, मौसम सामान्य है। पीला रंग है तो आप थोड़ा सा सावधान रखिए और निगाह रखिए कि हाँ गर्मी बढ़ सकती है। लेकिन अगर संतरी और लाल, संतरी रंग और लाल रंग में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि मैक्सिमम टेम्परेचर अगर लगातार दो दिन तक सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक होता है तो यहाँ पे क्या होता है, 5 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा तो क्या होगा, संतरी कलर होगा। लेकिन अगर मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड वार्निंग। ठीक है, तो रेड कलर वार्निंग कहाँ पे जारी किया गया है, दिल्ली में जारी किया गया है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा शैवाल प्रवाल भित्ति को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो प्रवाल भित्ति को खत्म कर रहा है कप्पा फाइकस अल्वारेजी, याद रखिएगा कप्पा फाइकस अल्वारेजी। अब यह कहाँ तक फैल चुका है, तो यह मन्नार की खाड़ी में वलई द्वीप तक फैल चुका है। और प्रवाल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में मैं कभी आपको डिटेल में एक वीडियो बना के पढ़ाऊंगी। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ऐसा करने वाला है राजस्थान, राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। और अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, याद रखिएगा। क्यों प्रतिबंध लगाया, मैंने आपको कुछ दिन पहले बढ़ाया था कि कुछ लोग तो जो स्मोक करते हैं लेकिन ई सिगरेट जब से आ गया है तो लोग थोड़ा ट्रेंडिंग की वजह से भी स्मोक करने लगे हैं। होता है ना, कोई नई चीज़, जैसे अभी कोई नया फ़ोन आ जाए मार्केट में तो हर इंसान परचेज करता है उसको, जिसके पास है ज़रूरत नहीं है वो भी सोचता है कि यार नया मॉडल है परचेज कर ले। क्यों, क्योंकि फैशन और ट्रेंड की वजह से। तो वही सेम फॉर्मूला आ गया है ई सिगरेट में। इसमें क्या होता है कि लोग फैशन में भी इसको पीना स्टार्ट कर देते हैं और ये नुकसानदायक है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके उत्पादन पे, इसके बिक्री पे और इसके वितरण पे, तीनों पे रोक लगा दिया गया है। कब किया गया है यह काम, तो 31 मई 2019 को किया गया है। यह टाइप है ई सिगरेट किसका टाइप है, इंड्स का। अब इंड मतलब तो ख़त्म होता है, हाँ ख़त्म तो ऐसे ही है भाई, सिगरेट पियोगे तो ज़िंदगी ख़त्म होगी, लेकिन इंड का तो फुल फॉर्म होगा। इसका फुल फॉर्म है ई सिगरेट व इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक विलय को उष्मा प्रदान करके एरोसोल का निर्माण करती है। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि एरोसोल इसमें किसका निर्माण होता है, तो एरोसोल का, जो कि फ्लेवर्ड होते हैं। अब ये जो है इंड्स, ये इंड्स ई सिगरेट इसका एक प्रोटोटाइप है, ठीक है। अब ई सिगरेट तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो क्या और भी देशों ने इसको बैन किया, हाँ अगर आप मॉरिशस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सिंगापुर की बात करें, साउथ कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राज़ील, मैक्सिको, बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने ई सिगरेट को पूरी तरीके से, या फिर इंड्स रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसको पूरी तरीके से बैन करके रखा है, ठीक। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। किस राज्य के पुलिस बल ने ओवर स्पीडिंग को लेकर के लेज़र गन यूज़ करने का निर्णय लिया। ओवर स्पीडिंग मतलब गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से चलाई जाती हैं, तो उनको कैप्चर करने के लिए लेज़र गन का यूज़ करेगा गुजरात। गुजरात तो कई वजह से चर्चा में था, पहले तो फटाफट यहाँ पे रिवाइज कर लेते। देखिए, गुजरात में है हमारा पहला रेल यूनिवर्सिटी, बड़ोदरा गुजरात में। गुजरात में बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में। इसके अलावा गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर बना है हमारा क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंचा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग की बात करें तो ये जो डिवाइस है लेज़र गन, इससे क्या किया जाएगा, इससे 1 सेकंड में 1 किलोमीटर दूर स्थित 3 वाहनों की स्पीड यह बता सकता है, और जो चालान कटता है ना उसको यह तुरंत चालान काट सकता है और वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है, तो कोई भी इससे बच नहीं सकता, इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, इसका नाम है देवी अहिल्या भाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे पड़ता है, इंदौर। और इंदौर ही क्या है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, और भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, याद रखिएगा। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये देखिए हवाई अड्डे का इमेज है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे भी रख दिया गया है, ठीक।
तो चलिए ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंथली करंट अफेयर को भी देख सकते हैं और जो भी स्पेशल टॉपिक्स होते हैं जैसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गया, इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, तो इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया जाता है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे विजिट करिए और सभी चीज़ों को आप इजीली देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।